कहीं पे घर ले लो एक, यहीं रुक जाओ। तो हाथ जो है जाम हो चुके हैं जब से हम लोग करते करते। एक फोटो उसने 10 बार खींच चुकी है। बाबा तेरे दर पे आ लिया, डर है गिरने का। बर्फ के अंदर बैठ चलते पहले। वाओ थोड़ा प्लेस बेटा, मन कर रहा है यहीं पे घर ले लो एक, यहीं रुक जाओ। इतना अच्छा प्लेस। वाओ, मैं जितना ही वाओ बोलूं कुछ बोलूं, लेकिन यहाँ का जो फील है बहुत ही अमेजिंग है। आज तुम्हारा भाई हरम पहन के आया है, और कल के मुकाबले थोड़े कपड़े आज मजबूत पहने हुए हैं, तो आज इतनी ठंड नहीं लग रही है। हल्की फुल्की तो ठंड है तो लगेगी, लेकिन वो ठंड नहीं है। कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, और ये बर्फ़ के चादरों के बीच बीच में आ चुका हूँ, है कि नहीं। अगर जो लोग यहाँ पर रहते होंगे तो वो लोग जन्नत में रहते यार, उनको नहीं चाहिए भीड़ उड़ाका, पाँव पाँव ये पोल्यूशन नहीं चाहिए उनको। हो रही मेरी वो दिख रही है आपको, वो गाड़ी खड़ी है, मैं वहाँ से पैदल भागता हुआ आ गया हूँ। ट्राईपॉड फंसाता हूँ, बर्फ़ के अंदर फंसाता हूँ। ये फंसाया मैंने ट्राईपॉड, बस में बर्फ़ में फंसा दिया मैंने ट्राईपॉड। तो हाथ जो हैं जाम हो चुके हैं जब से हम लोग करते करते। मैंने कोई ग्लव्स नहीं खरीदे, कुछ नहीं खरीदे, और ये देखते हो बर्फ ही बर्फ़। तो मैं गरी गोला बना के आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा था जो भी था, थोड़ा आगे चलते क्योंकि आज अपना टाइम कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा घूमनी है, दिन एक ही है, तो जितना घूम सकते हो घूम सकते हैं। कैलाश भाई इधर देखो, इधर देखो। हाय फ्रेंड्स, देख रहे हो कितनी बर्फ पड़ी है इस टाइम नैनीताल में। आपको ठंड लग रही है? बहुत ज्यादा इस टाइम, बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड हो रही है। तो आपने ग्लव्स क्यों नहीं खरीदे? ग्लव्स हम भूल गए वहाँ पे। लेकिन अभी पता है अंदर बैठे तो इतनी ठंड लग रही थी, बाहर निकलते पता लग रहा है अंदर जाना चाहिए, बहुत ज्यादा हो रही ठंड। हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। चलो ये देखो, ये हमारे पास ये लोग हैं। ये देखिए जब से एक चीज, एक फोटो उसने 10 बार खींच चुकी है, ये लाइफ स्टाइल हर कहीं खींचता है। अब चलते हैं अंदर, और यहाँ से चलेंगे अब सीधा मुक्तेश्वर मंदिर। तो मैं यहाँ पे गोरा पता नहीं कैसे दिख रहा हूँ, बहुत गोरा दिख रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन आ रहा है क्योंकि सब कहीं वाइट वाइट है, तो इसमें तो वाइट आ रहा था, मुझे तो वाइट ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। और अपने यहाँ दिल्ली में तो बादल भी काले होते हैं, तो वहाँ दिखूंगा काला, तो अपने मोबाइल को चार्ज करता हूँ फिर। पहुँच चुके हम लोग मुक्तेश्वर मंदिर। तो पहले भोले बाबा के पास चलते हैं। बाबा तेरे दर पे आ लिया। हाँ बहुत कुछ है यहाँ पर खाने के लिए, तो ऐसे सोच रहे हैं कि पहले बाबा के दर्शन करके आ जाएं, उसका कुछ खाते पीते हैं, खा पी के फिर बाबा के पास जाएंगे, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा इसलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे बताते हैं कि एक निब्बू होता है। हाँ निब्बू में मसाले लगा के खाते हैं ये। अरे नींबू की चटनी बनाते हैं लोग? नहीं नहीं, नींबू की चटनी नहीं, हो बस मसाले होते हैं, नींबू काट के मसाले डाल के उसे खाते हैं। और चल रहे हैं देखो चढ़ाई पे, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, जब से आए बस चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई बस चढ़े जा रहे, उल्टा चलने में तो दर्द नहीं होता, लेकिन फिर डर है गिरने का।